हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की ओर। मेंस्ट्रुएशन में 2D के सारे क्वेश्चंस हो चुके थे, बेसिक भी हो चुका है, ठीक है। 3D में जो थोड़ी बहुत चीज़ें फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने करा दी हैं, ठीक है, बेसिक वीडियो में। अब हम चलते हैं टाइप स्टार्ट करने के लिए टाइप 7 की ओर। 6 तक कम्प्लीट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वीडियोज़, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। 3/4 का मतलब है 3/4 है। देखो, उस चौड़ाई उसकी लंबाई की, मतलब चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की या लंबाई का 3/4 है, 3/4 है। तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि जिसके साथ का की को या से लगा होता है तो वो नीचे वाली वैल्यू होती है, बाकी अदरवाइज किसकी हो जाएगी, चौड़ाई की, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर कितना हो गया भाई, 4 हो गया। B ब्रीथ कितनी होगी, यहाँ पे 3 हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोले यदि फर्श का क्षेत्रफल, भाई फर्श की हमें L भी पता है तो उसका एरिया निकाल सकते हो क्या, L इंटू बी। तो एक कॉन्स्टेंट लगाना होगा x, 4 × 3 = 12, मतलब 12x² हमारा मेरी तरफ से एरिया हो गया रेशियो में। रेशियो में ये है, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन ने हमें दिया 768, तो 12x² = 768 हो गया। तो x² = 12 से काट लें, 12 × 72 हो जाएगा, बचे कितने यहाँ पे 72 के बाद 4, 12 × 4 = 48। तो x = कितना हो जाएगा भाई, रूट लग जाएगा, x हटाते ही इसमें क्या होगा, रूट के अंदर 64, 64 से बाहर 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो इसके बीच में अंतर देखेंगे, 4 में से 3 गई, बचा कितना, ओनली 1x, और 1x की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर। या फिर आप पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर देख लीजिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32 मीटर तो हमारी लंबाई हो गई, और 8 × 3 = 24 मीटर ये हो गया। 24 और 32 के बीच में डिफरेंस देख लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, 24 के बाद 6 और 2 = 8। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ने पूछा है हमसे तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 8 मीटर का। नोट कीजिएगा फटाफट, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 ने बोला है कमरे के 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे। अब यहाँ पे मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो 1 मीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर। तो 15 बराबर कितने, 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसे एक फॉर्म में लिख देता हूँ, 1500 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा कितने सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा भाई, 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ही यूनिट में कर ली मैंने, कमरे के इतने इतने लंबे, L बराबर है, ठीक है। एंड B बराबर हमें दिया है कितना, 9 मीटर। तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 900 सेंटीमीटर प्लस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। तो इनका फर्श का एरिया कितना हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। चौड़े फर्श पर लगाई जाने वाली सब वर्गाकार टाइलें जो कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि टाइल्स का साइज क्या होगा। तो पहले तो रूम का एरिया देख लो भाई, रूम का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे L इंटू बी कर लें, तो 15 × 17 × 902, ये तो हो गया भाई रूम का एरिया, ठीक है। अब एक टाइल का अगर मुझे साइज मिल जाए तो हम जो टाइल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। एक चक्कर ये है ना, एक बड़ा वाला ये मान लो कि इतने एरिया में मुझे टाइल्स लगानी है छोटी छोटी, तो हम इस बड़ी टाइल बड़े एरिया को हम अगर एक टाइल्स के एरिया से, एक टाइल जो कि वर्गाकार टाइल है इससे अगर मैं भाग दे दूंगा तो मुझे टुकड़े पता चल जाएंगे कि कितने पार्ट लगेंगे या फिर कितने पीस लगेंगे, ये पता चल जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब मुझे इसकी एक भुजा मिल जाए, क्या मिल जाए, ओनली वन साइड अगर मुझे मिल जाए तो फिर क्या होगा, साइड इन टू साइड एक वर्क का एरिया होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो एक साइड अगर मुझे मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। और साइड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो
साइड निकालने के लिए हमें HCF की हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं है, छोटी वाली संख्या से और डिवाइडिंग मेथड से। मैं उधर बताता हूँ, यहाँ पे तो नीचे हो जाएगा। अगर मुझे साइड निकालनी है तो फिर क्या, किसकी हेल्प से निकालेंगे? HCF। एक साइड जो कि किसकी, स्क्वायर की, कैसे निकालेंगे देखो, HCF मेथड से। तो 902 से अगर मैं 902 से डिवाइड दे दूं किस में, 15-17 में, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 902 माइनस करेंगे 7 में से 2 गए, 5 बचे, एक कैरी, एक तो एक ही रहने दो, 15 में से 9 गए तो 615। फिर दोबारा डिवाइड देंगे 902 में, ठीक है, 902 में एक बार जाएगा तो 615 माइनस करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 7, 12 में से 5 गए तो बचे कितने, 7 बचे। अब इसके बाद यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, अब यहाँ कितने बचे भाई 8, 8 में से 6 गए तो 2, तो 287 का डिवाइड देना है हमें अब किस में, 615 में, कितनी बार जाएगा, दो बार तो कम से कम जाएगा। 7 दुनी 14 की 4, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 की 7, 1 कैरी, 2 दुनी 4 और 1 5, तो अब बचेगा कितना, 5 में से 4 गए 1 बचे, और 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए तो 4 41, अब 41 का भाग देना है किस में, 287 में, तो 4 7 28 1 7, तो मतलब कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितनी बार, 287। तो मतलब एक साइज, ये क्या है मेरा, एक भुजा है जो कि साइड है किसकी, स्क्वायर की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर के एरिया से डिवाइड दे दो भाई, टाइल्स की संख्या आ जाएगी, तो टाइल्स बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं, कितनी से डिवाइड दे दूँ, 41 मल्टीप्लाई 41। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको ये किसी से कटेगा तो है नहीं, 41 से ही डिवाइड करना होगा। अब आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ये चला जाएगा 40 मान लो, 40 और ये 900, तो 4 दुनी करीबन ये वैल्यू जाएगी आपकी 22 टाइम्स, ठीक है, 41 से ये वैल्यू जाएगी 37 बार, ठीक है, 37 इंटू ये कर लेते, तो इसके दो टुकड़े कर लो, 37 इंटू 2 इंटू 11, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होगा, अभी 2 का मल्टीप्लाई, 2 7 14 की 4, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 74 मल्टीप्लाई कितना, 11, तो 4 के 4 हो गए, 7 और 4 11 की 1 और 7 और 1 8, 814 आंसर आना चाहिए, समझ गए, तो 814 हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। एक स्क्वायर की साइड तो आपको निकालनी होगी HCF मेथड से, ठीक है, चाहे ऐसे निकालो चाहे कैसे भी निकालो, एक आपको साइड चाहिए और फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वाली बात नहीं है, यहाँ पे डिजिट ऐसी है जो कि कट ही नहीं रही है, तो आपको पूरा का पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 3 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला एक आयताकार हॉल की लंबाई और लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, जो एल है वो बी से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो एक्स प्लस 5 है, ठीक है, और हमसे बोला है हॉल का क्षेत्रफल हमें पता है, ठीक है, तो हॉल की लंबाई कितनी है, तो हॉल का क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल मेरे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 750। अब यहां से आपके पास दो रास्ते, पहला रास्ता है बाई ऑप्शन, दूसरा रास्ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इक्वेशन बनाओगे तो और ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, इससे अच्छा ये ऑप्शन रख लो भाई, ऑप्शन ऐसा रखना, क्वेश्चन ने पूछा गया देखो हॉल की क्षेत्रफल इतना है, तो हॉल की लंबाई पूछी गई है, तो हॉल की जो लंबाई होगी जो ऑप्शन में दी गई है उसमें 5 जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो उसमें से 5 कम कर देना, जो ऑप्शन में दी है वो लंबाई दी गई है, लंबाई में 5 अधिक है, तो 5 कम करके वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है, लंबाई में जो है 5 कम करके वैल्यू पुट करनी है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर रख दो, इसमें 5 कम कर देना बस, ठीक है, समझ लो, इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे, ये हमें ऑप्शन में गिवन है, क्या गिवन है, ये पूरा हमें ऑप्शन में गिवन है, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 5 कम करके रखोगे, तो पहला है 15 तो यहाँ पे रख दूंगा और 5 कम करके रखूंगा तो 10 मतलब 150, तो ये तो हो ही नहीं रहा 750 के बराबर, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में 22.5 जैसे तो 25 25 यहाँ पे रख दो
और इनटू कर दो 20 का, क्योंकि भाई ये तो 5 कम है ना, ये देखो ये एल है तो ये बी है, तो 5 कम है, क्वेश्चन ने खुद बोला है 5 इधर ज़्यादा इधर कम है, तो 25 × 20, 25 तो नहीं 50, ये भी नहीं हो रहा, 25 भी, तो 30 ही होगा, सीधी सी बात है, 30 इंटू कर देंगे कितने का, 25 का, 5 कम करके करेंगे भाई, डिफरेंस 5 का, तो 3×25 = 75 हो गया, 750 हो गया, तो हमारा जो राइट आंसर है वो एल कितना हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा 30। या फिर आपसे ये पूछा जाए, यहाँ से अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 25 है, एक्स की वैल्यू जब 25 है तो 25 में 5 जोड़ देंगे, तो 25 में 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 30, एल कितना है मेरा 30 है, याद रखना, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट, तो 30 हमारा राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 4 में क्या बोला गया देखते हैं। तो जहां पर आपको लगता है कि हाँ बाई ऑप्शन से जाना अच्छा रहेगा तो बाई ऑप्शन से ही जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 क्या बोल रहा है, 4 ने बोला एक कमरे के फर्श का परिमाप, भाई फर्श का परिमाप 18 मीटर और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, यदि उसकी ऊंचाई हाइट हमें दी गई है 3 मीटर, तो देखो हमें जो परिमाप पता है फर्श का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ मतलब फर्श का पेरीमीटर पता हुआ है और ऊंचाई भी पता है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहां पे लिखा देता हूं, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, फर्श का परिमाप, ध्यान रखना इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्श का परिमाप इनटू ऊंचाई, तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, यहाँ पे देखो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, फर्श का परिमाप हमें पता है 18 इंटू ऊंचाई हमें पता है 3 है, 18 × 3 = 54, 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, तो 54 हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 660, अब की बार चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें गिवन है कितना 660, समझ गए, आगे देखिएगा, और उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, उसकी जो एल है, उसकी जो एल है वो बी से कितनी है दुगनी, अगर ये एक है तो ये दो है, ठीक है, अगर ये एक है तो ये दो है, एक एक्स कॉन्स्टेंट लगा लो, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ भाई, ये मान लो ये रूम है, ये एल हमें दिया है 2x, ये दिया है हमें एक्स या 1x मान लो, तो 2x यहाँ पे ये 1x, तो कितने हो गए 2 और 2 = 4 और 5 = 6, या फिर आपको पता होना चाहिए 2l + b होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2l + b, तो फर्श का परिमाप कितना हो जाएगा 2 (l) कितना है मेरा 2x + x, ये हो गया पेरीमीटर, ओके, इनटू ऊंचाई हमें दी है क्या, तो क्वेश्चन बोल रहा है ऊंचाई उसकी 11 मीटर है, तो हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, तो एल इंटू बी बाद में निकाल लेंगे भाई, एक्स की वैल्यू निकाल लो, पुट करके इंटू कर दो, ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, काटा पीटी कर लेते हैं, तो काटा पीटी करेंगे 11 से 11 × 66 मतलब 60 हो गया, 2 से काटेंगे तो 30 हो गया, 30 बराबर हो गया 2x और ये 1x 3x, तो 3 से काटेंगे 10 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 10 है तो वैल्यू पुट कर दे 2 × 10 = 20 और ये तो हो गया 10, इनका एरिया पूछा है तो कितना हो जाएगा 200, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो यूनिट है वो यूनिट चिपका दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 200 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ने हमसे बोला है एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, एक हॉल की जो लंबाई है वो कितनी है, एल बराबर तो 15 मीटर दिया है और B बराबर चौड़ाई कितनी दी गई है हमें, चौड़ाई दी गई है 12 मीटर, ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है क्वेश्चन में, आगे दिया है यदि उस हॉल के फर्श तथा छत का क्षेत्रफल का योग, मतलब यहाँ पे जितने का फर्श होगा, जितने एरिया का फर्श होगा और उतनी की छत होगी, भाई फर्श और छत दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, बराबर का मतलब ये है फर्श अगर 10 सेंटीमीटर का है तो
टॉप भी वही 10 सेंटीमीटर होगा, इक्वली तो होता है, ऊपर नीचे चेंज तो होता नहीं है कुछ, ठीक है, टॉप और बॉटम सेम रहेगा यहाँ पे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस हॉल का आयतन क्या होगा, आयतन कितना होता है, एल बी एच, एच चाहिए होगी हमें यहाँ पे, एल बी तो पता है हमें, एच और चाहिए, एच निकालने के लिए हमें ये दे रखी है हेल्प, ठीक है। अब देखो जो छत है प्लस फर्श इनका एरिया, अब छत का निकाल लो चाहे फर्श का निकाल लो, एक का निकाल लो दो का गुणा कर दो, क्योंकि इन दोनों का छत और फर्श का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, और इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो बराबर है फोर वॉल्स के, ठीक है, या चार दीवारों के, किसके बराबर है, चार दीवारों के बराबर है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर देखो फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हाँ 15 × 12, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, तो 15 × कितना हो जाएगा 12। अब लेकिन यही क्षेत्रफल किसका है, छत का है, तो हम क्या कर देंगे इसमें गुणा दो का कर दो भाई, ये किसका हो गया, पूरा टोटल मिलाकर ये हो गया छत और फर्श के योग, जो कि क्या है, उनके क्षेत्रफल का योग, ठीक है। यहाँ पे चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल अभी मैंने लिखाया था, क्या होता भाई, फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 (L + B) 15 और 12, तो 15 + B, बी कितना है मेरा 12 है, और इंटू एच तो हमें निकालनी है भाई, एच यहीं से मिलेगी हमें, जो कि हमें क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 काट दो भाई, ठीक है, 15 × 12 बचा, यहाँ पर कितने 15 और ये 27 हो जाएगा, इंटू एच बराबर 15 × 12 ही लिख लेते हैं, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे काटेंगे 3 से 3 5 15, 3 × 27, 3 से 3 × 12, 3 × 9, तो 5 × 20, 20/3 = 3, कहाँ से आए, यहाँ से 3 आया, = h, हाइट तो नहीं मिल गई हमें, तो अब हमें पता होना चाहिए आयतन क्या होता है, आयतन कमरे का क्या होगा भाई, LBH, L × B × H, L पता है क्या, L पता है 15 × B पता है, B कितना है 12 है, × H पता है, H कितना है 20/3 है, कैलकुलेट कर लें, 3 × 12, 15 × 60, 60 × 20 कर लो, 60 × 20 तो 6 × 12 मतलब 1200 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, 1200 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 7 में दिया हुआ है, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, फर्श की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो x + 20 अधिक है, अगर गुना बोलती तो bx होती, अधिक बोले तो जोड़ देते। आगे बोल रहा है उसके फर्श का क्षेत्रफल, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहा, मतलब अब यहाँ पर जितना क्षेत्रफल है वो उतना ही रहता है, कब, जब L और B में हम चेंजेस कर देते फिर भी वही रहता है क्षेत्रफल, देखे तो सही कितना है, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, तो लंबाई कितनी थी भाई पहले, x + 20 थी, माइनस कर दी 10 क्योंकि कम कर रहे हैं, ठीक है, और ब्रीथ में चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, 5 मीटर बढ़ा दी, तो चौड़ाई थी हमारी x, x में हमने 5 मीटर जोड़ दी, ठीक है, इनका एरिया और इनका एरिया बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है अपरिवर्तित रहता है, तो हमसे पूछा है क्या, पूछा है तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो फर्श का क्षेत्रफल हमें वैल्यू पहले x की फाइंड आउट करनी है, x की निकालने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे, L × B कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, तो x + 20 लिख लेते हैं एक बार, × x, ठीक है, = ये हो जाएगा x + 20 में से 10 गए तो 10 बचे, और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 20x = x² + 5x + 10x + 50।
तो यहाँ पे देखेंगे 10 और 5 15 हो गया, 20 में से 15 गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, 20x में से 15x इधर लेके आएंगे तो बचेगा कितना, ओनली 5x, 20 में से 15 चले गए तो 5 बचे, इज इक्वल टू हो गया कितना 50, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, तो हमसे पूछा एरिया, तो 10 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एल वैल्यू ये 10 हो जाएगा, ये प्लस 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया, एल तो मेरा आ गया 30, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 ही हो जाएगा, बी बराबर, तो एल इंटू बी हमसे पूछा है, तो एल इंटू बी कर देंगे, एल कितना है मेरा 30 और बी कितना है मेरा 10, तो 300 हमारा राइट आंसर होगा, समझ गए, 300 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th वाला, 8th में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया 2 मीटर लंबाई की, 2 मीटर चौड़ाई की और 6 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी या क्या होगा। तो सीधी सी बात है, एक रूम में जब छड़ रखी जाती है, जैसे कि मैं एक रूम बना लेता हूँ, जब इसमें सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी तो इस कॉर्नर से कहाँ पे आएगी, इस कॉर्नर पे आएगी, तो इस छड़ की लंबाई हमसे पूछी गई है, और इस छड़ की लंबाई कितनी होती है भाई, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया, 2 2 6, तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस 6 6 36, 3640 और रूट के अंदर आ गया 44, रूट के अंदर 44 है, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं बस, कौन कौन से, 11 और 4, 4 से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 11 फंसा रह जाएगा, तो 2√11 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, 2√11 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये टाइप होता है यहाँ पे फिनिश, फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।